उज्जैन शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर की सड़कों पर सुनसान और शहर के आसपास कई कस्बों में खुला हुआ है बाजार। न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई डर है और न ही तो कोई पालन किया जा रहा है और न ही इस गंभीर महामारी कोरोना वायरस का किसी में कोई डर दिख रहा है। जहां पर जिले में दो नियम, यह कैसा कोरोना समझ में पड़े। उज्जैन शहर में जहां एक और कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और अगर गलती से भी कोई शहर की सड़क पर निकलकर आ गया बाहर तो जहां कार्रवाई तो हो ही रही है, साथ ही में पुलिस के द्वारा वहीं पर पकड़कर उसे अस्थायी जेल भी भेज दिया जाता है और पूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अंदर पुलिसकर्मी सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं और शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापार व्यवसाय बाजार पूर्ण रूप से बंद रहता है और शहर की सड़कें और बाजार बिल्कुल एकदम सुनसान नजर आते हैं। वहीं उज्जैन के कुछ ही दूरी पर जिले की सीमा में आने वाले गांव खरसोद, कला, भाट, पछलाना, इंगोरिया, घटिया, रूपा खेड़ी और कायथा गांव के कस्बों में बाजार दुकानें खुली हुई है और ना ही कोई डर है और ना ही कोई भय है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती। कुल मिलाकर एक जिले में दो नियम, यह कैसा कोरोना कर्फ्यू है कि शहर में सख्ती और गांव में कोई सख्ती नहीं, कोई बंदिश नहीं है। क्या शहर में गंभीर महामारी कोरोना वायरस है और गांव में गंभीर महामारी कोरोना वायरस नहीं है, यह समझ से परे है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।